एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है, लोग आपको डिसलाइक क्यों करते हैं, लोग आपको नापसंद क्यों करते हैं। गाइस, आज की रीडिंग का यही टॉपिक है। मैं कार्ड शफल कर देती हूँ। गाइस, प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए। एक इंसान मुझे एक सजेशन भी देगा ना, अच्छा वाला, तो मेरे लिए बहुत हेल्प होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बनाती रहती हूँ जो मुझे सजेशन मिलते हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ सबके लिए गाइडेंस के तौर पे है, सबके लिए अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे भी पता चलता है कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स क्या देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें, आप कमेंट करें, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा और ऐसे दीजिएगा जो सबके लाइक हो। बस प्लीज़ बताएं लो। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं, आप दोनों के साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। टू कार्ड्स आए, देख लेते हैं भाई क्यों डिसलाइक करते हैं आपको। ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं बोलूँगी, अनफोल्ड नहीं हुआ है, इसे मैं नहीं होगी। नहीं, बस प्लीज बता मेरे व्यूअर्स को लोग डिसलाइक क्यों करते हैं। ओके, देख लेते हैं लोग आपको डिसलाइक क्यों करते हैं, क्या रीजन है डिसलाइक का। टावर, गाइस देख लो टावर। देख लेते हैं। ओके, मैजिशियन, सन, गाइस सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं, लोग आपको डिसलाइक क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, लड़की है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। हमेशा सन कार्ड आता है गाइस, और मैं सामने शफल करती हूँ कार्ड, ठीक है। साथ ही मैं बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हों किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन शायद आप पे वो एंजल ब्लेसिंग है कि आपको वो चीज़ खुद ब खुद मिल जाती हो। इस बात के लिए भी लोग आपको नापसंद करते होंगे, क्योंकि वो किसी चीज़ को पाने के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट वही चीज़ आपको बिना स्ट्रगल के मिल गई। यही वजह है जो लोग आपको नापसंद करते हैं। एक तो आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा ये मैं कहूँ तो ग्लोइंग स्किन होगी आपकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो, ऐसे पर्सन हो जिसे इतना स्ट्रगल ना करना पड़े किसी चीज़ को पाने में जितना और कोई हार्डवर्क कर रहा है। साथ ही मैं कहूँ तो मैजिशियन से गाइस, आपको लोग ऐसा पर्सन समझते हैं जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। या तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ही आप किसी कला में माहिर हो, ऐसा हो सकता है कि आप अपने हाथों की कला से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से लोग आपको नापसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है। अगर आप देखोगे ना, इसके सर पे फेदर है, ठीक है, और यहाँ भी ना इन्फानाइट का सिंबल है। आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो, ठीक है। साथ ही मैं कहूँ, आप ना थोड़े इमोशनल भी हो सकते हो, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनल है, जो जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो जल्दी लोगों को अपना फ्रेंड बना लेता है। तो यही है कि लोग आपको नापसंद करते हैं इसलिए, क्योंकि आपके बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है, आपके बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाते होंगे, आपके इमोशनल ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आप फिर भी लोगों के साथ अपना बॉन्ड बहुत अच्छे से बनाते हो, ठीक है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी एक सिचुएशन में टिक के नहीं रह सकते,
तो लोग इस वजह से भी आपको नापसंद करते हैं कि आप किसी एक सिचुएशन में टिक क्यों नहीं रहते। आपको हर वक्त ये रहता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई बुरी सिचुएशन आई है उससे आगे बढ़ो, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ रुका जा सकता है लेकिन फिर भी आप कहते हो आगे बढ़ते हैं। मतलब आपका ये नेचर हो सकता है कि आप एक जगह नहीं टिक सकते, ठीक है। अब मैं ये रिलेशन में नहीं कह रही गाइस कि आप ऐसे करते हो कि एक पर्सन को छोड़ा दूसरे पे चले गए, नहीं, कोई भी सिचुएशन आती है ना तो उसमें आप स्टक होके नहीं रह सकते। कोई भी सिचुएशन अच्छी हो चाहे बुरी हो आप उसमें स्टक होके नहीं रह सकते। साथ ही आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, आपका नेचर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, आपके नैन नक्श बहुत सुंदर होंगे, लोग आपको ना इसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी देते होंगे, ठीक है। तो लोगों को यही चीज़ आपकी नापसंद है गाइस, कि आप के अंदर मैं नापसंद की यही कह सकती हूँ कि उन्हें चिढ़ है इस चीज़ से, ठीक है। आपकी जो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं ना लोगों को यही नापसंद है क्योंकि वो उनके पास नहीं है। साथ ही मैं कहूँ आपके जो डिसीज़न लेने का तरीका है, आप डरते नहीं हो किसी से भी, आप डरते नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं डरते, चाहे वो फैमिली हो चाहे बाहर हो चाहे वर्क प्लेस हो, कहीं भी आपके अंदर ये आपका ये नेचर है ही नहीं कि आप किसी से डरें या किसी के आगे झुकें, ये आपका नेचर है गाइस। मुझे बताना कौन है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका नेचर है कि आपको झुकना अच्छा नहीं लगता, आपको झुकना पसंद नहीं है। साथ ही मैं कहूँ तो आप खुद के मालिक हो, जो डिसीज़न लेना है मैं खुद के लिए खुद ही लूँगा, यह आपका नज़रिया हो सकता है, ये आपके नेचर में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो कि जो डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ के वो मैं खुद ही लूँगा, ना मेरी फैमिली लेगी ना कोई और लेगा। तो ये चीज़ लोगों को ना पसंद है आपकी, कि जो आपका ये तरीका है ना कि मैं अपनी डिसीज़न खुद लूँगा, मैं क्यों किसी की बात सुनूँ, मैं क्यों किसी के आगे झुकूँ, मैं क्यों किसी की सुनूँ कोई भी बात, तो वही चीज़ लोगों को नापसंद है, ठीक है। और ये मैं कहूँ तो जो ये आपका तरीका है ना, ये इसी वजह से, इस तरीके का जो बिहेवियर आप करते हो उसकी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है। तो लोगों को ना ये लगता है कि आप उसकी वजह से, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है वो हुनर है जिसकी वजह से लोग आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो लोगों को यही चीज़ ना पसंद है जो आपके आसपास होंगे कि आप रूड हो उसकी वजह से, या आप इस तरीके का बिहेव करने लग गए हो कि भाई मैं अपने डिसीज़न खुद लूँगा। लोगों को ये चीज़ पसंद ही नहीं आती आपकी, इसलिए वो आपको डिसलाइक करते हैं। साथ ही आप इतने सुंदर, इतने ग्लोइंग स्किन, हैंडसम हो, लड़की है, ब्यूटीफुल है, नैन नक्श आपके इतने अच्छे हैं, लोगों को ये चीज़ भी ना पसंद है गाइस। उसकी वजह यह है क्योंकि वो उतने फेमस नहीं हैं, वो उस तरीके के पर्सन नहीं हैं जिसे भीड़ में भी पहचान लिया जाए, जो भीड़ में भी खड़ा है उस पर फिर भी नज़र चली जाए, उस तरीके का उनका नेचर या उस तरीके के उनके नैन नक्श नहीं है, तो वो इस चीज़ को ना पसंद करते हैं। क्योंकि आप ना भीड़ में भी खड़े होंगे तब भी आप पहचान लिए जाएंगे, आपके लिए मैं कहूँ तो ऑफ़र आते रहते होंगे फ्रेंडशिप के, ठीक है। आप जिस भी जगह हो जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे पॉपुलर हो सबसे, ऐसा हो सकता है, तो लोगों को ना यही चीज़ ना पसंद है आपकी, ठीक है। यही चीज़ को वो डिसलाइक करते हैं कि आप क्यों इतने सुंदर हैं, आप क्यों इतने लोगों में छाए रहते हैं, क्यों आप इतने रूड या ऐसे पर्सन हैं जो खुद के ही डिसीज़न खुद ही लेगा, ठीक है। साथ ही इतने क्रिएटिव माइंड के, इतने क्रिएटिव पर्सन हो जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, तो लोग इसलिए भी नापसंद करते हैं क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं आ सकते आपके बराबर, ठीक है। साथ ही मैं कहूँ फोर ऑफ पेंटिकल से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस आपके पास बहुत है, ठीक है, फाइनेंस आपके पास बहुत है और यही वजह है कि लोग आपको ना पसंद करते हो। लगता है ना कि जो आपके पास फाइनेंस है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कहीं लगा सकते हैं, बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। जो आपके पास फाइनेंस है लोग आपको इसलिए नापसंद करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि काश ये पैसा हमारे पास होता तो हम इसे इस तरीके से यूज़ करते जैसे ये कर रहा है, हम वैसे यूज़ नहीं करते, हम थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करते हैं।
साथ ही मुझे टावर से यही लगता है, इससे ही मुझे ये टावर कार्ड का लग रहा है गाइस कि वही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस तरीके से पूरी आपकी ज़मीन हिल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपने डिसीज़न नहीं बदलते। चाहे पूरी मैं कहूँ तो बिल्डिंग में आग लग जाए, चाहे इधर से उधर दुनिया हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपने डिसीज़न पे टिके रहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ट्स की तरह। वही है कि लोग इस बात के लिए नापसंद करते हैं आपको कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आसमान ज़मीन एक हो जाए, लेकिन ये इंसान अपने डिसीज़न नहीं बदलता किसी के लिए भी। साथ ही अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद लेगा, हमसे नहीं एडवाइस लेता, हमारी नहीं सुनता। मे बी ऐसा हो सकता है गाइस कि आपकी फैमिली में ही कोई आपको नापसंद करता हो, इसी बात के पीछे कि आप अपने मन के मालिक हैं, आप किसी की नहीं सुनते। और वो लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपने अपनी क्रिएटिविटी के दम पे इतना कुछ कमाया है, इतना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो वो इसलिए आपको नापसंद करते हैं कि भाई इसके पास जो ये पैसा है, जिस तरीके से ये कर रहा है, उससे अच्छा तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उससे अच्छा तो हम इसे कहीं ज़रूरत पे लगा सकते हैं, जिस तरीके से ये पकड़ के बैठा है अपने फाइनेंस को। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती होंगी वर्क से रिलेटेड, क्योंकि आप टैलेंटेड हो, क्योंकि आपका माइंड इतना शार्प है, इतने नॉलेजेबल हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो इसकी वजह से ना आपके पास काम के आपके पास बहुत सारे ऑफ़र आते होंगे गाइस, सच में बहुत ऑफ़र आते होंगे आपके पास, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हो, आपके अंदर वो नॉलेज है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ना आपका जो ये एनिमल लवर हो ना, तो ये नापसंद हो सकता है, ये नापसंद हो कि आप एक एनिमल लवर हैं। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपको नापसंद इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक एनिमल लवर हैं, आप एनिमल लवर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वाले, मतलब कोई भी जानवर दिख जाए, आप उसको खाना देना, उसको मतलब प्यार करना, ऐसे सहलाना, मतलब आपको बहुत पसंद होगा, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक पर्सन हो आप, ठीक है। और तो लोगों को ये भी नापसंद है कि हर वक्त रेडी रहते हो किसी भी काम के लिए, हर वक्त रेडी, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी है आपके अंदर। लोग थक जाएंगे लेकिन आप नहीं थकते, आप ऐसे हो सकते हो कि लोग थक के बैठ जाएंगे लेकिन आप नहीं थकते, चाहे पार्टीज़ में जाना है, चाहे बाहर घूमने जाना है, आप रेडी रहते होंगे। तो लोग इसलिए भी आपको नापसंद करते होंगे क्योंकि उनकी एनर्जी डाउन हो जाती होगी, लेकिन आप हमेशा एनर्जी में ही रहते होंगे कि हाँ चलो घूमने चल रहे हैं। तो ये है कि आपको इसलिए भी लोग डिसलाइक करते हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अपनी आपकी ना फैमिली में ही या आपके फ्रेंड ही हैं जो आपकी इन आदतों को डिसलाइक करते हैं, आपके आसपास के लोग ही हैं ये जो आपकी इन आदतों को डिसलाइक करते हैं। एक कि आप एनिमल लवर हैं बहुत ज़्यादा, ये डिसलाइक करते होंगे। घूमना फिरना आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, डिसलाइक करते हैं लोग आपकी आदत को। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आप मैं कहूँ तो बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, इसलिए भी डिसलाइक करते हैं आपको कि हमेशा रेडी, हमेशा एक ऐसे उसमें रहते हो, एक्साइटमेंट में आप, कि कोई हद नहीं है, ठीक है। और गाइज मुझे एक और चीज़ लग रही है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस को लोग डिसलाइक करते हैं, जिस तरीके का आपका पहनावा है शायद लोग उसको नापसंद करते हैं, शायद वो आपके घर वाले या कोई हैं आपके पास के ही लोग जो उस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। या गाइस आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, साथ ही आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।